सो फ्रेंड्स, ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड इंट्रोडक्शन पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो देख ले, वरना आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपीयरेंस एंड प्लगइन्स दो मेनू को देखेंगे और उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। ये देखिए, अपीयरेंस में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है थीम। वर्डप्रेस में थीम एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इस फीचर्स को यूज करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को फ्रंट एंड पे अच्छी तरह दिखा सकते हैं। इस थीम ऑप्शन से आप अपनी वेबसाइट में फ्री और प्रीमियम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। एड न्यू बटन पे क्लिक करके आप फ्री और प्रीमियम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, wordpress.org में जितनी भी थीम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी थीम है और बहुत ब्यूटीफुल थीम है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये जितनी भी थीम आप देख रहे हैं ये कम्प्लीटली फ्री है। अब इस फ्री थीम का यूज करके आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं। पर कुछ थीम की प्रीमियम वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आप थीम फॉरेस्ट से कोई भी प्रीमियम थीम परचेस करेंगे तो उस थीम को भी आप यहाँ पर भी इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कस्टमाइज। इस ऑप्शन को यूज करके आप अपने वेबसाइट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन है विजेट। इस ऑप्शन को यूज करके आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट अवेलेबल है। ये सब वर्डप्रेस की डिफॉल्ट विजेट्स है। अगर आप प्रीमियम थीम इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ साथ बहुत सारे विजेट्स यहाँ पर इंस्टॉल होगा, जिसको यूज करके बहुत अच्छी तरह आप अपने वेबसाइट में कंटेंट डिस्प्ले कर पाएंगे। हम एक बार साइट को विजिट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो सर्च बार आप देख रहे हैं ये एक सर्च विजेट है। ये आर्काइव्स देख रहे हैं ये एक विजेट है। कैटेगरीज, ये एक कैटेगरीज विजेट है। मतलब कि आप हमारे साइट पे जितनी भी कैटेगरीज हम लोग यूज करेंगे आप उसको इस विजेट के थ्रू आप वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। ये एक रिसेंट पोस्ट विजेट है। यहाँ पर क्या होगा, आप जितनी भी पोस्ट करेंगे यहाँ पे पोस्ट पे जाके जितनी भी पोस्ट आप करेंगे तो उस पोस्ट की रिसेंट जो पोस्ट होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके साथ साथ रिसेंट कमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितनी भी रिसेंट कमेंट हुआ है आपके वेबसाइट में। नेक्स्ट ऑप्शन है मेनू। इस ऑप्शन से आप अपने वेबसाइट की मेनू क्रिएट करेंगे। अगर मेनू पहले से ही क्रिएटेड है तो आप इस जगह से उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साइट पे होम, कंपनी, सर्विस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, ये जितनी भी ऑप्शंस है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेनू। अगर आपके वेबसाइट में इस टाइप की एक मेनू आपको क्रिएट करना है तो आप इस ऑप्शन पे जाके आप उस प्राइमरी मेनू को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड। अगर आपको आपके साइट की कोई बैकग्राउंड इमेज सेट करना है तो आप इस ऑप्शन से बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है थीम एडिटर। अगर आपको थीम में कुछ चेंजेस करना है या थीम को कस्टमाइज करना है तो आप इस थीम एडिटर को यूज करके थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नॉलेज है देन आप थीम एडिटर को यूज करके आप किसी भी थीम को एडिट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। थीम को एडिट करने के लिए यहाँ से पहले आपको उस थीम को सिलेक्ट करना होगा जिस थीम को आप एडिट करना चाहते हैं, देन उसके बाद सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना होगा। देन उसके बाद जिस फाइल को आपको चेंज करना है उस फाइल को यहाँ से थीम फाइल्स में जाके उसको ढूंढ के उसको क्लिक करना होगा। अगर मैं फुटर पे एडिट करना चाहता हूँ देन इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए फुटर फाइल यहाँ पे ओपन हो गया है। अभी जिस लाइन पे मुझे एडिट करना है उस पे मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, देन उसके बाद अपडेट फाइल पे क्लिक करना है। इस तरह से आप किसी भी थीम को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से।
नेक्स्ट ऑप्शन है प्लागिन। थीम की तरह प्लागिन भी वर्डप्रेस का एक पावरफुल फीचर्स है। प्लागिन की मदद से आप अपने वेबसाइट में फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट में आपको एक इमेज स्लाइडर चाहिए तो आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। आपके वेबसाइट में अगर आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए वो भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप प्लागिन की मदद से आपकी वेबसाइट में कोई भी फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इंस्टॉल प्लागिन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए आपकी वेबसाइट में जितनी भी प्लागिन इंस्टॉल्ड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दो प्लागिन है और दोनों प्लागिन ही यहाँ पे डीएक्टिवेट है। आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। नए प्लागिन को ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए वर्डप्रेस डायरेक्टरी में जितनी भी प्लागिन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्लागिन चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग सर्च कर रहे हैं कॉन्टैक्ट। अगर मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म अपने वेबसाइट में ऐड करना है तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये जो प्लागिन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये आ गया है। अगर मुझे ये प्लगइन चाहिए तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ इसको एक्टिवेट करके मैं इस प्लगइन को यूज़ भी कर सकता हूँ। थीम को यूज़ करके कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ साथ प्लगइन को यूज़ करके वर्डप्रेस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लगइन एडिटर। थीम की तरह प्लगइन एडिटर भी सेम वेब में काम करता है। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में जितनी भी प्लगइन है तो उसकी लिस्टिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दो है तो इसमें दो ऑप्शन दिखा रहा है, दो प्लगइन की नेम आप देख सकते हैं। थीम की तरह प्लगइन में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना है, कुछ कस्टमाइजेशंस करना है, तो आप प्लगइन एडिटर को यूज़ करके आप ये एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे कौन सी प्लगइन को आपको एडिट करना है उसको सिलेक्ट करना होगा, देन सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना होगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे प्लगइन जो फाइल्स है इसमें आप देख सकते हैं जितनी भी फाइल है, जिस फाइल को आपको एडिट करना है उसको आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे उसका जो कोडिंग है आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए तो आप यहाँ पे चेंजेस कीजिए, देन उसके बाद अपडेट फाइल पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आप थीम की तरह प्लगइन एडिटर यूज करके प्लगइन पे भी आप अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अपीयरेंस एंड प्लगइन्स मेनू के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट मिला है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बाकी जो ऑप्शंस है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।